जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुने शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर लिखना है जय भोलेनाथ। एचएसएससी पीजीटी राजनीतिक विज्ञान 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, चार आदमी छह औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, चार आदमी, आदमी के लिए मैंने मैन लिख दिया, यहाँ पर डिनोट कर दिया है, चार आदमी और छह औरतें, इसके लिए औरत के लिए मैंने डब्लू, और कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिन में किसी काम को करते हैं। ये टोटल काम हो जाएगा किसके बराबर रख देंगे, तीन आदमी और सात औरतें, तीन आदमी और सात औरतें उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देती है, 10 दिन में। ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, हमने बराबर कर दिया। यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी एक आदमी की और एक औरत की। इसको सोल्व करेंगे, 8 चौका 32 एम और 8 6 48 डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 30 एम प्लस 70 डब्ल्यू। 30 को इधर ले जाएंगे, 48 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 22 डब्ल्यू। तो m की वैल्यू यहां से क्या आएगी, m बटा w इज इक्वल टू, इसको काट देंगे ये हो जाएगा 11, तो 11 और बटे में 1। यहां से एफिशिएंसी निकल कर आई, एक आदमी एक दिन में 11 टेबल बना देता है तो एक औरत एक दिन में एक टेबल बनाती है। तो टोटल काम हमने यहां से रख देंगे वैल्यू, एम की वैल्यू 11 इसमें रख देंगे, डब्ल्यू की यहां रख देंगे, तो टोटल काम आ जाएगा चार आदमी, तो यहां एम की वैल्यू रख देंगे 11, तो 4 गुणा में 11 प्लस 6 गुणा में डब्ल्यू की वैल्यू 1 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यहां से कुल वर्क आ जाएगा 11 44, यहां करवा देता हूं, 44 प्लस 6 एकम ये हो जाएगा 6 और गुणा में 8 ये हो जाएगा 50 गुणा में 8। ये है टोटल काम यानी कि कुल वर्क। अब बताना क्या है कि 10 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी, एक औरत एक दिन में एक टेबल बनाती है तो 10 औरतें एक दिन में कितना टेबल बनाएंगी, 10 टेबल बना देंगी, तो इसको 10 से डिवाइड कर देना, 10 5 50 और 8 5 40, तो 40 दिन में बना देंगी 10 औरतें इसी कार्य को कर देंगी और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखने में जितना बड़ा है इसका आंसर उतना ही छोटे तरीके से निकलेगा, ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को, ट्रिक से हल करेंगे। ए अकेला 6 दिन में 100 टोकरियां बनाता है, ए अकेला 6 दिन में 100 टोकरियां बनाता है, बी अकेला 12 दिन में 100 टोकरी बनाता है, तो दोनों मिलकर 100 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे। तो यहां पर देखो, 100 टोकरी बनाता है ए, बी अकेला बनाता है 12 दिन में 100 टोकरी, और 100 ही टोकरी यहां पर क्या है बनानी है, तो इसका मतलब कुल काम जो है वो टोटल बराबर है। जब काम बराबर है तो हमने यहां पर 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको ट्रिक से हल कर लेंगे सीधा, 6 और 12 को गुणा कर देना और नीचे लिखना है इन दोनों का योग, यानी 6 और 12 को जोड़कर कितना बनेगा, 18, ये नीचे लिख देना, 6 3 18 और 3 4 12, तो ए और बी 4 दिन में कितनी टोकरियां बना देंगे, 100 टोकरियां बना देंगे और ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 750 पुरुषों की एक चौकी में 20 सप्ताह के लिए खाना है, यदि 4 सप्ताह के अंत में 450 आदमी और आ जाएं तो बचा हुआ राशन कब तक चलेगा। 750 पुरुषों के लिए 20 सप्ताह का भोजन था, 4 सप्ताह के अंत में, यानी कि इन्होंने 750 आदमियों ने 4 सप्ताह का भोजन खा लिया, यानी कि शेष इनके पास अब बच जाएगा 16 सप्ताह का राशन, तो शेष जो राशन है वो कितना है, ये रहा 750 गुणा में 16 सप्ताह का राशन है, तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, सप्ताह के अंत में 450 आदमी और आ जाते हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास जो आदमी थे जो थे 750, अब कितने और आ गए, 450, यानी कि अब आदमी हो जाएंगे 1200, और ये 1200 आदमी इस भोजन को कितने सप्ताह में खाएंगे, ये है क्वेश्चन, तो इसको 1200 से डिवाइड कर देंगे और इसको काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 10 सप्ताह, यानी कि जो शेष भोजन था वो कितने दिन और चलेगा, 10 सप्ताह और चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
यदि 18 बाइंडर 900 पुस्तकों को 10 दिनों में बांधते हैं तो 660 पुस्तकों को 12 दिनों में बांधने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, M1 आदमी D1 दिन में W1 वर्क करते हैं जो कि किसके बराबर होता है, M2 आदमी D2 दिनों में W2 वर्क करते हैं इसके बराबर। सेम क्वेश्चन है 18 बाइंडर, यहां पर आदमियों की संख्या कितना है 18, कितने दिनों में बांध देते हैं 10 दिनों में बांध देते हैं और जो काम है उसको नीचे लिखेंगे, 900 पुस्तकों को बांधने का कार्य करते हैं। पूछ क्या रखा है कि 660 पुस्तकों को बाइंड करने के लिए 12 दिनों में कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी, ये बताना है क्वेश्चन में। तो यहां से सिर्फ एम की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 660 को इसमें गुणा करेंगे, 660 गुणा 18 गुणा में 10 और बटे में यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 गुणा में 12। इसको काटने के बाद आंसर आ जाएगा 11 बाइंडरों की जरूरत पड़ेगी और ये हो जाएगा आंसर। यही हमने बताना था कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी, तो 11 बाइंडरों की आवश्यकता पड़ेगी 660 पुस्तकों को 12 दिन में बांधने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 15 पुरुष 108 मीटर लंबी दीवार 6 दिनों में बना सकते हैं, 15 पुरुष 6 दिनों में 108 मीटर लंबी दीवार को बना सकते हैं तो 25 पुरुष 3 दिन में कितनी लंबी बना सकते हैं दीवार, ये है क्वेश्चन। यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, यहां पर देखो तो ये हो जाएगा 25 गुणा में 3 गुणा में 108 और ये हो जाएगा बटे में इसको ले आएंगे 15 और गुणा में 6। इसको काटेंगे तो काटने के बाद आंसर आ जाएगा 90 मीटर लंबी दीवार बनाई जा सकती है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में ज्यादा कोई फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं होती, इसको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत होती है और एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो कोई भी सवाल आता है उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, इसका मतलब क्या है, 12 आदमी किसी कार्य को अगर 8 दिन में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 96 टोटल काम, यानी कि टोटल मान लेते हैं 96 टेबल उन्होंने बनानी थी तो कुल काम क्या है 96 टेबल बनाने का है। 3 दिन बाद 3 और आदमी कार्य में शामिल हुए तो 12 आदमी तो थे और इन्होंने 3 दिन तक काम किया तो इन्होंने 36 टेबल बना दी, बची कितनी 60 टेबल, ये क्या है शेष काम है, यानी कि शेष जो टेबल बनानी है ये 60 बच गई। 3 दिन के बाद 3 आदमी और आ गए तो 12 तो पहले थे ही और 3 आदमी और आ जाते हैं तो अब हो गए 15, काम कितना बचा हुआ है 60, मिलकर यानी कि 15 आदमी 60 टेबल को कितने दिन में बना देंगे, 4 दिन में बना देंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हुए सोल्व करना है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप बताना और आपको किसी भी प्रकार से किसी टॉपिक में दिक्कत आती है या आप किसी भी प्रकार जो भी आप टॉपिक आपको अच्छा लगता है या किसी टॉपिक में दिक्कत आती है जो करना चाहते हो आप उसको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको वही टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ।